Kickstarter deals are running on Amazon till 22nd September and Great Indian Festival will be live on 23rd of September. Hi everyone, welcome back to my channel. This is me, Shiny. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दुर्गा पूजो सोष्ठी लुक. ये एक नया सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जहाँ पर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ दुर्गा पूजा सोष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी लुक्स. दुर्गा पूजा इज राउंड द कॉर्नर, तो आई थॉट दिस इज विल बी द परफेक्ट टाइम टू शेयर दिस काइंड ऑफ मेकअप लुक्स. आज का जो लुक है वो सोष्ठी स्पेशल लुक है जिसमें मैंने साड़ी वेयर किया है. इट इज बंगाली दुर्गा पूजो आफ्टर ऑल एंड आई हैड टू वेयर अ साड़ी, सो आई थॉट लेट मी स्टार्ट दिस सीरीज विथ अ साड़ी लुक. और ये लुक ना सोष्ठी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये एक काफी सिंपल सैटिन साड़ी है जो आजकल ट्रेंड में भी है और ये जो कलर है ना ये काफी प्रिटी है. सो अगर ये लुक पसंद आए दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और हाँ, सारे प्रोडक्ट्स ना मैंने अमेजन से परचेज किए हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ती में मुझे मिल गए एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑफ वेल नोन ब्रांड एंड आर ऑफ गुड क्वालिटी. Kickstarter deals are live on Amazon, so check links in description box for more details. सारे प्रोडक्ट्स की purchasing links भी मैंने description box पर provide किया है, so make sure you check my description box. So चलिए अब देख लेते हैं इस makeup look को मैंने किस तरह से create किया है. सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ Biotic कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर. टोनर इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ये पोर्स को क्लोज कर देता है जिससे मेकअप आपके स्किन के ऊपर ग्लाइड करता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइजर. ये काफ़ी लाइट वेट है, इसके अंदर SPF 24 भी है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो डे टाइम के लिए ये मॉइस्चराइजर परफेक्ट है. सनस्क्रीन इज अ मस्ट. न्यूट्रिजना SPF 50 प्लस सनस्क्रीन इज माई पर्सनल फेवरेट, अफोर्डेबल भी है एंड काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. आज मैं ग्रीन कलर करेक्टिंग प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रॉम NY बे. इसमें ऑरेंज एंड येलो वेरिएंट भी अवेलेबल है. फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग Maybelline Fit Me फाउंडेशन. मेरा शेड है 120 क्लासिक आइवरी. इसे मैं सिर्फ एक पंप ही लूँगी एंड अपने ऑल ओवर फेस एंड नेक पर इसे इस तरह से डॉट फॉर्म में मैं इसे अप्लाई करके इसी तरीके से फिंगर टिप से मैं ब्लेंड कर लूँगी. मुझे कुछ हाई कवरेज वगैरह नहीं चाहिए इसलिए मैं कोई मेकअप टूल का इस्तेमाल नहीं कर रही. मैं फिंगर को इस तरह से डैप कर रही हूँ ताकि मुझे जो मिनिमम कवरेज है वो मिल जाए, क्योंकि मैं अपना स्किन जो है वो स्किन लाइक दिखाना चाहती हूँ, मुझे कुछ हेवी मेकअप नहीं चाहिए. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर. मेरा शेड है 02 सैंड सेबल एंड ये मैं सिर्फ जो एक्सेस है उसे रिमूव करके सिर्फ मैं थोड़ा ही अपने अंडर आई एरिया पर और अपने लिप्स के चारों ओर जहाँ पर मेरा हाइपर पिगमेंटेशन है उस एरिया पर अप्लाई करके हल्की फिंगर टिप से, हल्के हाथों से मैं उसे ब्लेंड कर दूंगी. इसी तरीके से आपको ज़्यादा हार्श नहीं होना है एंड इस तरीके से फिंगर से ब्लेंड करने पर ना काफ़ी नेचुरल लुक मिलता है, ज़्यादा मेकअप नहीं लगता. नेक्स्ट इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये जो बनाना पाउडर है इसे मैं इस्तेमाल करूँगी सिर्फ अपने अंडर आई रीजन पर और अपने हाइपर पिगमेंटेड एरियाज पर जहाँ पर मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है, क्योंकि कंसीलर सेट करना इंपॉर्टेंट है. फाउंडेशन मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था और फाउंडेशन क्रीज भी नहीं करेगा, तो फाउंडेशन मैं इस तरह से सेट नहीं करूँगी. फिर मैंने ब्लू हेवन का ब्राउ परफेक्ट आईब्रो डिफाइनर लिया है. आईब्रोज को ब्रश कर लूँगी ताकि जो एक्सेस फाउंडेशन है, पाउडर है, वो रिमूव हो जाए. ब्लैक आई शेडो लेकर मैं फिल इन कर लूँगी गैप्स को. मेरे आईब्रोज ना बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक है इसलिए मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है. आप चाहते हैं तो ग्रे या ब्राउन आई शेडो भी ले सकते हैं. स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट इन द शेड 05. ये काफ़ी अफोर्डेबल है. एट द सेम टाइम ना इसमें ब्लैक एंड शिमरी शेड्स भी है, मैट शेड्स भी है, तो ये काफ़ी वर्सेटाइल एक पैलेट है. इसे आप अपने फेस को कॉन्टोर भी कर सकते हैं, आई शेडो की भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इसमें जो ट्रांजिशन शेड है उसे मैंने अपने आउटर कॉर्नर पर और अपने क्रीज पर अप्लाई किया है और ये जो शिमरी सा गोल्डन शेड है इसे मैं अपने स्मॉल फिंगर पर लेकर अच्छी तरीके से इनर कॉर्नर और हाफ ऑफ द आईलेट पर अप्लाई करूंगी. स्मॉल फिंगर इसीलिए मैंने चूज किया क्योंकि वह इनर कॉर्नर पर इजिली अप्लाई भी कर पाएगा. नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने आउटर कॉर्नर पर इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरे आउटर कॉर्नर थोड़ा सा डिफाइंड लगे, क्योंकि मैं कोई ब्लैक आईलाइनर नहीं या फिर काजल भी नहीं इस्तेमाल करूंगी, तो इस तरह से स्मोक आउट करने से ना आई लुक काफी अच्छा दिखता है. इसे मैं लोअर लैश लाइन पर भी काफी अच्छी तरीके से स्मोक आउट कर लूंगी. मैंने ये ग्राफिक आईलाइनर का लुक आजकल इतना ज्यादा
ज़्यादा ट्रेंड में है. सो आई थॉट दिस पूजो वी शुड ट्राई ग्राफिक आई लाइनर्स. तो मैंने ये ब्लू कलर का अच्छा सा एक ग्राफिक आई लाइनर ड्रॉ करने की कोशिश की है एंड थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर ऐड करने के लिए मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पर भी इसी सेम ब्लू कलर को अप्लाई किया है. ये काफ़ी पॉप ऑफ कलर एंड एक ट्रेंडिंग लुक भी दे रहा है मेरे फेस को, मेरे मेकअप लुक को. नेक्स्ट मैंने मार्स का ये ब्रॉन्जर पैलेट लिया है और उससे मैं जो ब्रॉन्जिंग शेड है उससे मैं फेस को ब्रॉन्ज अप करूँगी थोड़ा सा फेस को डेफिनेशन देने के लिए. NY Base Skyline Blush का ये शेड मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड ये काफ़ी पिगमेंटेड है तो मैं अपने ना हाथों पर इसे पहले अप्लाई कर लूँगी और फिर उसे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन मैं अपनी चीक पर अप्लाई करूँगी. तो आप लोग देख सकते हैं मैं अपने एप्पल सॉफ्ट में चीक पर नहीं अप्लाई कर रही, मैं थोड़ा सा अपर रीजन पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि उससे ना आपका फेस काफ़ी चिजल्ड एंड काफ़ी अच्छा लुक भी मिलता है. नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाईलाइटिंग पाउडर, मेरा शेड है प्रेशियस पेटल्स. ये काफ़ी पिंक सटल सा हाइलाइटर है, सिर्फ अपनी हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर भी मैं इसे इस्तेमाल करूँगी. नेक्स्ट मैंने मस्कारा इस्तेमाल किया है फ्रॉम ब्लू हेवन. आप चाहते हैं तो फॉल्सीज भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस. फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग माई करेंट फेवरेट जैन एंड माइजा लिक्विड लिपस्टिक. ये शेड भी काफ़ी प्रिटी है एंड इनके लिपस्टिक्स की फॉर्मुलेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड द पैकेजिंग ऑल्सो वेरी क्लासी. लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक बिंदी वेयर किया है और ये ज्वेलरी सेट वेयर किया है. ये एक पर्ल चोकर सेट है जो मैंने अमेजन से ही परचेज किया है. अगर आपने वो मेरा अमेजन ज्वेलरी सेट हॉल वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर मैंने प्रोवाइड किया है, ज़रूर उसे जाकर अभी देख लीजिए. That's it for today's video. I hope ये video आप सबको अच्छा लगा. अगर आपने इस video को enjoy किया है तो आप ज़रूर इस video को like करें, share करें अपने friends and family के साथ. Don't forget to subscribe to my channel. और इस series के बारे में आपको क्या बताना है वो भी आप नीचे comment करके ज़रूर मुझे बता सकते हैं. Next video में मैं share करूँगी शॉपतुमी look. तो शॉपतुमी look आपको traditional चाहिए और western चाहिए वो भी आप नीचे comment करके ज़रूर मुझे बता सकते हैं. आज का video यहाँ तक ही था. Stay blessed, stay happy. Bye.